ये देखो हम लोग यहाँ पे कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे सरकार की नाकामी, गरीबों को झेलना पड़ता है, हम मजबूरों को झेलना पड़ता है। देख लीजिए ट्रक में कितने लोग हैं और हम लोग कैसे करके जा रहे हैं। ये देखो, ये हम लोग अभी नासिक के लगभग थोड़ा आगे है, हम लोग को झारखंड तक जाना है, सरकार हमें ट्रेन नहीं दे रही है। ये देखो कितने लोग जा रहे हैं। 10 दिन हो गया है पैदल चलते चलते, ना खाने को ना राशन है ना पानी है, बस पहुंचने की यात्रा कर रहे हैं। सोनीपत में कंपनी में काम करते थे, काम हम बंद हो गया, वहाँ पे ना पैसा मिला ना कुछ, ना वहाँ खाने को था, इसीलिए हम लोग चल दिए पैदल। अब किराया भी नहीं था इसीलिए, और मन बना कि अब पैदल ही चले, रहेंगे तो ठीक है, नहीं चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सिवान जिला का रहने वाला हूँ, बिहार का। यहाँ पे पूना में काम करने आया था, मेरा नाम कृष्णा जी है, लेकिन यहाँ कोई हमारा जो ठेकेदार है वो सोलापुर में चला गया है। हमें कोई पैसा वैसा नहीं कुछ दे रहा है, बोल रहा है ठेकेदार ने पैसा, मालिक ने पैसा नहीं दिया तो हम कहाँ से पैसा देंगे। इसलिए हम लोग जा रहे हैं, हमारे पास कुछ पैसा वैसा तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही निकल गए कि जो पैसा है उसमें खाते पीते चले जाएंगे, नहीं तो ये भी ख़त्म हो जाएगा तो ऐसे ही रह जाएंगे। हमारा घर यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है। अब तो मांग रहा है, बस वाला मांग रहा है 5000 रुपया, वो भी 60 आदमी होगा तभी लेकर जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं, एक आदमी का 5000 रुपया मांग रहा है, कहाँ से लाएंगे हम लोग इतना पैसा। तो चलते चलते मर जाएंगे वो ठीक है, भूखा तो कोई इधर नहीं मरेगा, मालिक पैसा ही नहीं देता तो क्या खाएंगे। आपका नाम? कमलेश कुमार पटेल। कहाँ जा रहे हो? बिहार। अरे मुंबई से आ रहे हैं और मानिकपुर जा रहे हैं, मानिकपुर जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, कोई साधन है नहीं। जो मोदी जी ने घोषणा किया है हमने सुना है न्यूज में, कल रात में देखते हैं अब क्या होता है, अवसरों क्या क्या मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग भाई बेरोजगार सही है, पैदल चलते आ रहे हैं मुंबई से, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। अभी खाने के नहीं, मैं ऑटो चलाता हूँ, खाने के नहीं है तो क्या करूँगा, उधर क्या पैसा कोई देता नहीं, कोई मदद नहीं करता है, कुछ मिलता नहीं तो क्या करेगा, खाने के लिए परेशानी है, हर एक चीज़ का दिक्कत है, इसकी वजह से आना पड़ा। हम लोग यूपी देवरिया के हैं, हमारा नाम रामनाथ शर्मा है, और सर कोई जो भी गरीब मजदूर है किसी के खाते में पैसा नहीं आया है, ये संस्था चला रही है, और बाकी मोदी जी का कोई हम लोग पैसा कुछ नहीं मिला है यहाँ।